हम आपको गावरी ग्राम के किसान प्रमोद सेन से मिलवाते हैं और देखते हैं कि वो धनिया की फसल में धोरिया रोग की रोकथाम नई तकनीक से किस प्रकार करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं धनिया की खेती में रोग धोरिया की रोकथाम के लिए नई पद्धति से खेती करता हूँ। 5-6 किलो बीघा अपन ये सल्फर पाउडर में आती थी वो डालते थे, तो पहले डालते थे तो उसके वजह से फूल भी मरते थे, कम से कम 50% फूल बेकार हो जाते थे और आँखों में भी जलन जाती थी और सांस द्वारा शरीर में भी आदमी को भी नुकसान करती थी। जो भी किसान था पहले मास्क ग्लव्स ये नहीं पहनते थे तो वे बिल्कुल बहुत जुकाम सर्दी सिर दर्द सब बीमार तक हो जाते थे और फिर एकदम फूल जड़ जाता था। या जब से ये दवाई 2-3 साल से चली, जब से 2 साल से या से कीमत में भी अंतर पड़ रहा, बास है मनमाफिक कीमत लग जाती उसमें सल्फर में, यहाँ में कीमत बहुत सही रेवे और यहाँ से बहुत सुविधा है, यहाँ से क्या फूल भी नहीं जड़े और लाभ यहाँ से ज़्यादा रहे फसल में। और यह न मास्क लगा लें ग्लव्स और जिनसे तो यह शरीर किसान भी परेशानी नहीं दी, किसान कोई परेशानी नहीं है और यह सबसे कारगर दवा है। ये 250 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और 120 रुपये की आती है, वैसे 10-5 रुपये कम भी कर लेते हूँ। बिल ज़रूर खरीदते समय पक्का बिल ज़रूर लें और साथ में रखें जब तक अपनी फसल नहीं बिके तब तक। और यह सल्फर से बहुत फ़ायदे में रही और कम पैसा में भी मिलती है और 1 एकड़ में यह पर्याप्त हो। यदि कहीं 1 हफ्ता के पहले यह डाल बे के 1 हफ्ता बाद बारिश हो जाए तो इसका दोबारा फिर एक बार और भी स्प्रे कर दें ताकि अपनी फसल में दोबारा धोरिया की शिकायत नहीं आ। ये ज़रूरी है, ये नहीं सोचें कि अपन ने डाल दिया तो अब बिल्कुल आना ही नहीं है। तो 1 हफ्ता के अंदर अगर पानी या ज़्यादा ओस गिर जाए तो देखते रहना चाहिए फसल सुबह की टाइम। एग्जाकोनाजोल ये दवा है उसका स्प्रे भी करके भी मैं अभी बताता हूँ वहाँ पे सभी किसानों को। दवाई के लिए सबसे पहले तो एक पंप की ज़रूरी पड़ेगी, फिर एक पानी की कैन या बाल्टी कछु भी वो बर्तन चाहिए, इसके बाद फिर मास्क ग्लव्स ये ज़रूरी होना चाहिए। ये तो इनसे सांस के द्वारा ये कण उड़े वो नहीं जा, और दवाई चाहिए। पहले तो ये पंप में अपने पानी डाल लूँ, 16 लीटर को पंप रे हो तो 1-2 लीटर खाली रखो, 15 लीटर पानी यो डाल लूँ। इसके बाद में ये पहनना ज़रूरी, पहले दवाई से हाथ लगाने के पहले ये बहुत ज़रूरी है। अपन सोचें कि बाद में पहन लेंगे तो फिर दवाई तो हो ही जाएगी अपने हाथ। इसके बाद में ये सांस द्वारा भी वो नहीं जा तो ये बांधना ज़रूरी है। इसके बाद में नाप बहुत ज़रूरी है, ये नाप बगैर कोई अपन 10 ml ज़्यादा भी डल गई तो नुकसान और कम डल गई तो नुकसान, ये नाप बहुत ज़रूरी है। नाप नहीं है तो बहुत परेशानी रही, कम ज़्यादा हो जा फिर वो असर में दिक्कत रही। तो ये 30 ml का तो इसमें निशान है, ये 40 ml डालना अपन एक पंप में। एक्साकोनाजोल दवा के फायदे ये है, पहली बात तो इसकी रेट आधी है उससे, सल्फर से आधे में काम होता है, वो 300 रुपये की आती है और ये 120-110 के लगभग आती है, तो ये फ़ायदा है। और दूसरी बात फूल नहीं मारती है, 50% उससे सल्फर से फूल मारता है और इससे फूल नहीं मारता। और तीसरी बात कई किसान लोग बीमार हो जाते हैं तो वो सांस द्वारा वो भी इसमें इतनी दिक्कत नहीं रहती, मास्क लगा लेते हैं
उसमें तो मास्क लगा ले तब भी आंखों में उसमें चली जाती है, तो एक रोज तो आदमी परेशान ही रहता है। तो सल्फर डालते थे नहीं, सल्फर से थोड़ा दाना सफ़ेद सा पड़ता था, और इससे डालते हैं तो इससे हरा दाना रहता है, थोड़ा कलर भी आता है और दिक्कत नहीं रही यार, तो कलर में भी अंतर आता है इससे। मैं सभी किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि नई तकनीक से खेती करें, भाव में लाभ उठाएं, और नई जो भी चीज़ चल रही है मिट्टी की जाँच ये सब कराएंगे, नई जो भी चीज़ चलेगी वो पीछे नहीं रहना चाहिए, पीछे रह गए और नई पास होने की उम्मीद में रहे तो स्कूल ही नहीं गए, तो रिजल्ट तो आना ही नहीं, तो करके देखना ही चाहिए। पूरे में नहीं करो तो 1 एकड़ में करो, अपने 4 एकड़ है तो 1 एकड़ में जरूर एग्जाकोनाजोल दवा डाल के और देखो, और सल्फर की अलग देखो, तो उसमें कलर में भी अंतर मिलेगा और फूल भी नहीं मरेगा, और इससे ज़्यादा वो है। नमस्कार, धन्यवाद। Oh,